उन्होंने कहा मैं फास्ट बॉलर हूँ। तो केकी तारापुर ने उनसे कहा कि भाई इंडिया में फास्ट बॉलर होते ही नहीं है। 1970 का दशक तकरीबन खत्म हो रहा था और विश्व भर में फिर से फास्ट बॉलिंग का दौर चल रहा था। रफ्तार नापने की टेक्नोलॉजी नई नई थी और ऑस्ट्रेलिया के जेफ थॉमसन ने 100 मील 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालकर बाकी सब गेंदबाजों के सामने एक चुनौती रख दी थी। लेकिन भारत में तो क्रिकेट प्रेमियों ने लगभग उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हमारे पास भी कभी एक चोटी का फास्ट बॉलर आएगा। लेकिन फिर प्रवेश हुआ कपिल देव का। कपिल देव एक चैंपियन के सारे गुण लेकर आए थे और छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का संकेत दे दिया था। मेरे ख्याल से मिड 1970s की बात है जब वो अंडर 19 कैंप में बंबई आए थे और वहां पर जब आउटसाइड ऑफ प्रैक्टिस जब प्रैक्टिस के बाद खाना खाने बैठे और उनको थोड़ी सी दाल और सब्जी और दो चपाती खाने को मिली तो उन्हें लगा कि ये तो भाई मेरे शरीर के लिए इनफ नहीं है और उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि भाई मैं तो फास्ट बॉलर हूँ। वो थे चंडीगढ़ से, पंजाबी थे, एंसेस्ट्रली वेस्ट पाकिस्तान से थे। केकी तारापुरे उस कैंप के मैनेजर थे तो उन्होंने केकी तारापुर से कहा कि भाई मुझे और कुछ खाने के लिए चाहिए। तो केकी तारापुर ने कहा भाई आप खाने के लिए और क्यों चाहिए? तो उन्होंने कहा मैं फास्ट बॉलर हूँ और मेरी डाइट अच्छी होनी चाहिए क्योंकि फास्ट बॉलिंग इज नॉट नेचुरल टू अ ह्यूमन बॉडी, यू हैव टू बिल्ड टुवर्ड्स इट, यू नीड टू हैव अ फिजिक टुवर्ड्स इट। तो केकी तारापुर ने उनसे कहा कि भाई इंडिया में फास्ट बॉलर होते ही नहीं है। कपिल देव ने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन दिया और चयनकर्ताओं को मजबूर कर दिया कि 1978 में उन्हें पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय टीम में शामिल करें। उनके जैसा तो कोई भी नहीं था जो पेस से बॉलिंग कराए, जो बॉल को दोनों तरफ घुमाए। कपिल ने ही पहला या पहली बार ये दर्शाया कि तेज गेंदबाज बनने के लिए और एक लंबा करियर होने के लिए फिटनेस की बहुत जरूरत है, एथलेटिसिज्म की। कपिल देव वाज अ नेचुरल एथलीट। मेरे को लगता है अगर क्रिकेट नहीं खेलता था ना तो 100 मीटर्स में वो नंबर वन आता था बिकॉज हिज स्प्रिंटिंग वाज अनबिलीवेबल। आई नेवर सॉ एनी फास्ट बॉलर स्प्रिंट दैट गुड। लाइक वो आपके बगल से दौड़ के चले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कपिल भारत के लिए लगातार 16 साल खेले। इस दौरान उन्होंने फिटनेस या इंजरी की वजह से कभी भी मैच मिस नहीं किया, एक बार भी नहीं। बल्कि एक बार, ये 1981 की बात है और मैच मेलबर्न में खेला जा रहा था, उनको मैच के बीच में हैमस्ट्रिंग में तकलीफ हुई। ये इस श्रृंखला का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच था और भारत 0-1 से पीछे था। भारत पहली इनिंग्स में 182 रन से पिछड़ा हुआ था और हमारे ओपनर्स मैच में रहने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। कपिल देव पहले से ही इंजर्ड थे और बैटिंग करने आए अपने नियमित क्रम से काफी नीचे, रनर के साथ खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वो जल्दी आउट हो गए और भारत की इनिंग्स 324 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया को केवल 143 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए और श्रृंखला पर 2-0 से कब्जा करने के लिए। अगले दिन पेन किलर्स खाकर कपिल मैदान में उतरे। श्रृंखला 1-1 से बराबर हुई। पहली बार भारत ऑस्ट्रेलिया से नाबाद लौटी। कपिल ने सिर्फ एक बेहतरीन बॉलिंग स्पेल नहीं डाला पर एक ऐसा रवैया दिखाया जिससे भारतीय टीम प्रेरित हुई। टीम ही नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी भी। कपिल देव की इसलिए जितनी तारीफ की जाए कम है कि उन्होंने भारत में विदाउट एनी सपोर्ट, विकेट्स का भी सपोर्ट नहीं और दूसरे छोर से भी कोई गेंदबाजी का सपोर्ट नहीं, उसके बाद उन्होंने 400 से अधिक विकेट लिए। मैंने कपिल देव को देखा आवर्स आफ्टर आवर्स बॉलिंग करने के लिए। आप कितना भी टैलेंट हो जाओ, यू हैव टू बॉल एट द राइट प्लेस, एम करना पड़ेगा था, यू हैव टू बॉल देयर, प्रैक्टिस देयर, मेहनत बड़ी करो, वेरी हार्ड वर्क। उस बंदे ने कभी आप इमेजिन नहीं करोगे नेट में नो बॉल लीजिए। इवान थ्रू आउट हिज करियर कभी रन आउट नहीं हुआ। फास्ट बॉलर, वर्ल्ड चैंपियन, रोल मॉडल।
भारतीय क्रिकेट में कपिल देव का महान योगदान रहा है। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।